अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। इंग्लिश बोलचाल के इस चैनल पर हम पिछले कुछ दिनों से इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम आपको मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने मे माइट को पढ़ा, कैन कुड को पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वुड। वुड का इस्तेमाल किस तरह से होता है और कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। सबसे पहले आपको ये बात जहन में रखना है कि विल का जो पास्ट है वो वुड है। विल का पास्ट क्या है? वुड है। उसके तौर पर इस्तेमाल होता है। आमतौर पर हम ख्वाहिश जाहिर करने के लिए, ख्वाहिश पूछने के लिए, ख्वाहिश बताने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ कंडीशन जुमले जब बोलते हैं, हम कंडीशन वाले जब जुमले बोलते हैं, शर्तिया जुमले जब बोलते हैं उसके अंदर भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। इमेजिनेशन एंड तसव्वुर वाले कोई जब जुमले बोलते हैं तो उसके अंदर भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वुड का इस्तेमाल करते हैं। और डिटर्मिनेशन यानी हम कोई अज़्म करते हैं या फिर हम इरादा करते हैं तो इसके लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और उसका फॉर्मूला हम देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल होता है, कि सेंटेंस बनता है।